अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है आप? ये मुर्गियाँ जो हैं ये मेरे भतीजे हैं जैन मुगल साहब, इन्होंने पाली हुई हैं और मुझे भी मुर्गियाँ पालने का बड़ा शौक है। बचपन में बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ अकसाम की मुर्गियाँ मैंने रखी हुई थी बचपन में। मैं सारी जो मुर्गियाँ इन्होंने पाल के रखी हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इन्होंने घर में एक होममेड इनक्यूबेटर बनाया है और उस इनक्यूबेटर में इनके अंडे रख के, यानी आप ये कह लें कि जैसे हैचरी में रखे जाते हैं, और फिर उनके बच्चे निकाले गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी जितनी इनकी इनके पास जो नस्लें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस ब्रीड का नाम है कोचैन बेंटन। कोचैन बिंटन जी, बड़ा प्यारा जी। ऊपर करें जरा इसको, हाँ, इसके पाँव दिखाएं जी। पाँव बड़ा फैशनी सा है, देखें इसके बाल। इसका नाम क्या है जी जैन? ये सिल्की है, इस ब्रीड का नाम सिल्की है। और ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली ब्रीड है। अच्छा, ये टू मच फ्रेंडली है। वाह जी वाह, ये तो है ही फ्रेंडली जी। नीचे रखें सर इसको, जरा से मैं देखूं। ये देखें जी, ये एक और हीरो सा एक लग रहा है। ये हीरो ही है ना उमर? हीरो है ना। क्या नाम है जी इस ब्रीड का? इस ब्रीड का नाम है पॉलिश। ये गोल्डन लेस पॉलिश है। अच्छा ठीक है, तो इसका ये है कि ये एग लेइंग के हिसाब से बहुत अच्छी जो है ना ब्रीड है। अच्छा, ये एटलीस्ट जो है ये 200 to 220 तक ये पर ईयर जो है। अच्छा, इसकी एग लेंगे है। अच्छा जी, नीचे रखें जरा इसको, उधर ही ऊपर जरा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। गोल्डन लेस पॉलिश है और ये फीमेल है। इसका और उसका डिफरेंस ये है कि इनका जो है ये क्रस्ट की जो देखें आप, ये इसके यहाँ से पर राउंड हुए हुए हैं। अच्छा ठीक है, और उसकी जो है उसके देखें नोके सी बने हुए हैं। हाँ ये वाकई, ये देखें जी, ये देखें इसके जितने भी पार हैं इनकी, ये देखें जितने भी आप पार लेंगे ये देखें इनके राउंड हुए हुए हैं। ठीक है, और उसके परों की नोके बनी होंगी। सही सही सही, ठीक है। शेप में थोड़ा शेप सा फर्क में है ना, फीमेल और मेल के शेप में फर्क होता है। जिंदाबाद अजीन जी, एक और खूबसूरत सी नस्ल है जी, ये भी आपको दिखाता हूँ। इसका क्या नाम है जैन जी? ये कोचैन बैंटम की फीमेल है। अच्छा। ये ब्लैक कोचैन बैंटम है, ये फीमेल है। जो हमने पहले दिखाया था वो मेल था। अच्छा, इसको नीचे रखें ना जरा, इसके नीचे। ये सबसे ज्यादा एक्टिव लग रही है मुझे, ये देखें। नाज़रीन ये एक और नस्ल है जी, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर है, हल्का सा है, गोल्डन सा टच भी है इसको। ये जैन साहब बताएं जी, ये कौन? ये बफ जो है ये कोचैन बफ है। कोचैन बफ जी, हाँ जी वाह, दिखाए जरा नीचे, नीचे रखें इसको। अच्छा जैन, मुझे आप ये बताएं, आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और आपने इतनी मुर्गियां रखी हुई हैं और कैसे इनको टाइम देते हैं, क्या करते हैं आप? जी ये मैं मुख्तलिफ जगह पे विज़िट करता था, मुख्तलिफ दोस्तों के घर में, या जो है ना मुर्गियों के जब अंडे ले, देसी अंडे लेने के लिए हम जाते थे जब भी किसी के घर, तो उन्होंने एक दो इस तरह की मुर्गियाँ रखी होती हैं, तो उनके से थोड़ी सी मालूमात हासिल की भी कैसे ये सेटअप आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरह आपने ये रखी हुई है, तो वहाँ से मुझे शौक हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने जो है उनसे उन लोगों से ये छोटे छोटे बच्चे लाए थे। अच्छा। जितने बच्चे आपको मैंने ये दिखाए हैं जो हैचिंग करवा के मैंने, जो मैंने खुद हैचिंग करवाई है, इतने बच्चे मैंने लाए थे आज से अराउंड अबाउट 6 माह पहले। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने खुद ही इन्हें पाला है और ये आज इसमें ये है कि जो आपको पॉलिश ये ब्रीड है, इस पॉलिश ब्रीड के जो पेयर है
वो आपको राउंड अबाउट 10,000 का मिलता है। अच्छा ठीक है। और जो चिक्स इसका है वो होता है 5 से 7 दिन का चिक्स। अच्छा, जो है हाँ। वो आपको 500 के राउंड अबाउट। अच्छा, यानी कि एक चूजा है इसका 500 रुपए का मिनिमम है। मिनिमम ठीक 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 है। और इसी तरह जैसे कुछ एन बैंटम है, ये थोड़ा लो प्राइस है इसकी, तो ये है आपको 4 से 5 हज़ार के दरमियान जो है अच्छा पेयर मिल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और इसका जो है वो चूजा भी सस्ता मिलता है। सही सही ठीक है। इसका चूजा ये है कि आपको 300-350 के राउंड अबाउट में। सही सही। अंडे तो आपने खूब खाए हैं फिर? हाँ, अंडे ये है कि हमने शुरू में तो हमने लाए ये, इन्होंने अंडे देने शुरू किए। घर में जैसे यूज होते हैं हम प्रॉपरली घर में यूज करने लग पड़े, तो फिर कुछ अरसे बाद ये हुआ कि इस तरह लाई हैं हमने मुर्गियाँ। और मुर्गियाँ ला के तो मेरा भी खुद एक शौक हुआ कि यार इस जो है ना ये थोड़े थोड़े से पास मेरे पास हैं, इन्हें ज़्यादा किया जाए। ठीक है सही। तो फिर मैंने जो है बैठा हुआ था तो फिर मैंने कहा कि इनक्यूबेटर खुद घर में बना के तो इसे जो है ना वैसे बाजार में परचेज कर सकते हैं हम, ये बाजार से भी परचेज होते हैं, लेकिन वो ये है कि कॉस्टली होते हैं। सही सही ठीक है। फिर हमने ये किया कि मैंने खुद घर में इनक्यूबेटर बनाया। अच्छा। तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला है। मुझे इनक्यूबेटर दिखाए ना, कौन सा बनाया? देखें ये मैंने जो है बिल्कुल घर की चीजें जो है यूज की है। अच्छा ठीक है। ये पेंट वाली बाल्टी है, इसके अंदर देखें आप जो है कि ये भूसा है, ये अंडों के अच्छा हिचिंग के लिए कि अंडे टूटे नहीं। सही ठीक है। इसमें ये देखें ये कंप्यूटर फैन लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। ये कंप्यूटर फैन है, इसके पीछे ये 100 वाट का बल्ब है। सही ठीक है। ये बल्ब है ये, और इन सब का कनेक्शन जो है ना ये यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है। सही ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सही सही। इसको जरा ऑन करें ना अंदर से, बल्ब रोशन करें ताकि हमें पता लगे। ये साथ क्या है जी, ये काला सा? ये है, ये जो थर्मोस्टेट है वो आपका 12 वोल्ट पे चलता। अच्छा, है इसलिए अच्छा। ये अडॉप्टर लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये साथ जो कनेक्शन है ये है इसके लिए, बल्ब के लिए। सही। आजकल मैंने हिचिंग करवा लिया है, इसे मैं एज अ ब्रूडर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर उन्हें 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उन्हें एक गर्माइश चाहिए होती है। इतनी गर्माइश के 35-37 के राउंड अबाउट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो फिर इसलिए इसे बच्चों को इधर अंदर रखा हुआ है तो ये इतना टेम्परेचर होता है, इसे मैं आजकल जो है ना ब्रूडर यूज करता हूँ। अच्छा, आपने जब अंडे इसमें रखे तो इसी प्रोसेस से जो है ना वो फिर बच्चे निकल आए उन अंडों से, यही बात है ना? जी, उनके अंडों को मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉइस्चर के लिए हमने जो है ना इसमें एक प्याला रखते हैं, प्याले में पानी, वो या एक सुबह और शाम को आपको उसमें पानी डालना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए उससे ये है कि ये हीट होती है और मॉइस्चर जो है ना इन अंडों को मिलता है। सही सही। उसके बाद यानी कि जो मुर्गी जब अंडों पे बैठती है और जो जो माहौल उन अंडों को चाहिए होता है कुदरती अल्लाह की तरफ से, वो आप मस्नूई तौर पे वो माहौल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन ये पंखा देखें, ये जो आपके कंप्यूटर्स के साथ बैक साइड पे लगा होता है ये वो फैन है, और ये आगे बल्ब, और इसी तरह ये इनक्यूबेटर तैयार हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे पास एक प्याला है छोटा सा। ठीक है। इसमें हम पानी डाल के हम इसमें रखते हैं। अच्छा ठीक है। बस सिर्फ ये उठाया, इसे यहाँ पे रख दिया इस बल्ब के नीचे, और ये इसके इर्द गिर्द जो है आपके ये मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर देता है। सही। और नाज़रीन जो बच्चे निकले हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कितने अंडे रखे थे आपने? मैंने इसमें अंडे रखे थे राउंड अबाउट 10 के करीब। और कितने बच्चे निकले हैं? उसमें ये हुआ है कि हमारे 7-8 बच्चे निकले हैं। अच्छा। लेकिन वो है बाकी मैंने कुछ दोस्तों को दे दिए हैं। अच्छा। अभी मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे पड़े। अच्छा, तो वो कौन कौन सी नस्ल के हैं? उनमें से वो एक वाइट हैवी बफ का है और दो जो है वो ब्लैक बैंटम के। तो दिखाए ना जरा अपने हाथ में उठा के।
नाज़रीन ये है जी अंडा, देखिए इसका साइज, ये छोटे से साइज का है, ये आम जो आप देखते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज होता है अंडों का, लेकिन इनका अंडा थोड़ा सा साइज में छोटा है। ये पकड़े जी, ये ब्लैक बैंटम का अंडा है। अंडे जो है ये साइज में भी छोटे होते हैं, ठीक है, और इनमें से क्योंकि ब्रीड है ही छोटी है, और इसका चूजा भी जो है ना वो भी छोटा होता है। मैं आपको चूजा दिखाता हूँ, आप देखिए अंडा भी छोटा है और इसका निकला हुआ चूजा भी छोटा था। सही दिखाए जी नाज़रीन, ये देखें जी ये खूबसूरत सा चूज़ा, और ये चूज़ा जो है इस इनक्यूबेटर में पैदा हुआ है। उज़ैन साहब मुझे ये बताइएगा कि ये टोटल कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में, यानी बच्चा जो है वो अंडे से निकला है। जो नॉर्मल मुर्गी जितना टाइम लेती है उतना ही टाइम इनक्यूबेटर भी लेता है, ठीक है। नॉर्मल मुर्गी ये है आपके 21 से 22 दिन में जो है वो अंडे हेच हो जाते हैं उसके, ठीक है। इसी तरह जो इंक्यूबेटर में हिचिंग के लिए भी आपको 21 से 22 दिन चाहिए होते हैं। और इसकी एज कितनी है जो भी आप ये जो मैंने ये हाथ में उठाया हुआ है, ये राउंड अबाउट जो है 5 डेज का है। 5 डेज का है, सही। ये 5 डेज का सही। ये देखें जी ये दूसरा है खूबसूरत सा चूजा। जैन साहब बताइएगा जी ये कौन सी नस्ल है? ये है वाइट एबी बफ का है, ठीक है। इनके भी ये देखें, इनके टोटल पाँव, ये देखें इसके नाखून के एंड तक जो है ना इसके पार निकलते हैं, ठीक है। ये पूरे पाँव पे पार होते हैं, और इनकी ये बिल्कुल जो है ना इतने इनके पार होते हैं कि ये लटक रहे होते हैं, ठीक है। ये वाइट हैवी बफ है, ठीक है। तो इसकी भी जो है ये भी 5 डेज का है, अच्छा, ठीक है। और ये भी इनक्यूबेटर से, ये भी नाज़रीन इसी इनक्यूबेटर की पैदावार है जी। ये जाए पैदाइश है जी इस चूजे की। जी उमर साहब ये बहुत मजे के, अच्छा बहुत नरम है, डर लग रहे हैं उठाते हुए। क्यों क्यों डर लग रहे हैं? नहीं छोटे से हैं ये। देखे भाई का कमाल है, भाई लोग किसके हैं? अरे तेरी है। ऐसा मुझे बताएं ये इनक्यूबेटर कहाँ से परचेज किया आपने? ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। अच्छा है? और ये इसलिए अपने हाथ से बनाया है, जो है मार्केट में अवेलेबल है इनक्यूबेटर, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। और हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो इस तरह का शौक करते हैं, लेकिन वो उन इतना जो है ना आपको नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी कि वो इतना इसके ऊपर खर्चा कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह उन भाइयों के लिए है कि ये मतलब होम मेड है, अच्छा, ठीक है। घर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें ना इतना ज़्यादा आपका खर्चा होता है, और ये है कि अगर किसी भाई को ये चाहिए हो, ठीक है, वो हम आपको बना के दे सकते हैं। ये तो मैंने घर में इस तरह बनाया हो, वो प्रॉपर एक सेटअप से बना होता है। यानी आप इसको नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे वो अपग्रेड करेंगे इसको, या क्या करेंगे? मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब आपका विजिट हुआ यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा कि इसी को अपग्रेड करके उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये इसमें जो है ना इसकी कैपेसिटी है कि ये इसमें 15-20 एग्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। वो जो है इसका साइज इंक्रीज करके एटलीस्ट 50 एग्स का जो है। वाह 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 वाह, सही। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आपके पास वो होगा इंशाल्लाह। तो आप इस तरह कीजिएगा, जब आप प्रोसेस स्टार्ट करने लगे ना, यानी अंडे जब आप रखें, तो उस दिन मुझे आपने बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। चले इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट हम एचिंग करवाएंगे तो आपको लाजमी दावत देंगे। सही। और नाज़रीन मैं कोशिश करूंगा ये 22 दिन का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं। और अगर आप भी ये शौक रखते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आप खुद जो है वो इस किस्म की छोटी सी हैचरी बना के अपना शौक पूरा करें, तो आप जैन साहब से रابطہ करें। जैन साहब आपको अपना फ़ोन नंबर अभी बता देंगे, आप इनके साथ फ़ोन पर रابطہ कर सकते हैं। 0331-517-4755। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मज़ा आया जी, आज आपने हमें इतना टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपके पास आएंगे और इसी तरह आपसे मज़े मज़े की बातें सुनेंगे। नाज़रीन मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।